मैं उसको वार नहीं कर सकता, ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है, मेरा मुंह मत खुलाओ और ना खुलने भी जाऊंगा। तो कहानी पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शानू भाई मैं बिजनेस मैन भी हूं, मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता हूं साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब, मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं, मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को लाके पालता हूं। तुम मुझे दुबई से फोन करवाते हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो, आज बोलता हूं मैं 6 महीने दीप की गोली खाकर सोया हूं, उसका जिम्मेदार कैसे भूल जाएगा? मैं कभी बोला नहीं जाता आपको, मेरे को दुबई से फोन करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं, तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसने मुझे 6 महीने तक नींद की गोली भी सुनाया है, अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूं, जमील मर गया, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता किसने मारा उसको, लेकिन परमार की तारीख में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था, तो ये मत समझता कि तुझे डर गया मैं, ये मत समझता कि तुझसे मैं डर गया। तूने मेरे पार्टनर को धमकाने की कोशिश किया, तूने सानू पठान को भी धमकाने की कोशिश किया, तूने तेरा लेटर है, ये लेटर है तुम्हारा, ये देखो आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है, मेरा हर प्रोजेक्ट पर लेटर डालता है, ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं गांव भेजूंगा। अरे तुम मुझे गांव क्या भेजेगा, अगर मुझे जाना लिखा होगा मेरे मुकद्दर में तो 50 रुपए लेके आया था, चला जाओ खाली हाथ, लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो उसने जुर्म किया मेरे साथ आपने सुना, अभी शानू भाई भी बताएंगे, कल मैं सुन रहा था दाऊद चोगले साहब भी डायमंड हॉल में कुछ ऐसे ही कह रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, अब मैं माइक शानू भाई को देता हूं। नमस्ते। जैसे कि हमारे अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब ने जो उनकी तकलीफ थी वो सब बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो 6 महीने से किस मामले किस हालात से गुजर। उमरा कौसर के बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ दी गई, और मैं कई बार शमीम भाई के पास जाता था तो शमीम भाई बताते थे कि मेरी वाइफ बहुत टेंशन में रहती है शानू भाई, और ऐसी ऐसी तकलीफ है मेरी बीवी, मेरी वालदा, उनकी वालदा भी ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में हालात हो रहे, लेटर दिए जा रहे हैं कि कंप्लेंट दी जा रही है, ये मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू सर्वे किया जा रहा है, रुका दिया जाएगा काम। तो मैंने शमीम भाई को बोला हूँ, शमीम भाई ये आपके ऊपर लेटर नहीं दिया गया, ये पुराना कारोबार इन लोग का, ये गैंग ही है पूरी जो सबके लिए लेटर दे रहा है। और मित्तल में जितने भी लोग को के लिए लेटर डाला है,
उन सबके साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी और मैं और हमारी पूरी टीम, शमीम भाई तो बहुत नजदीकी हमारे बड़े भाई है, जो हमारे पास आते नहीं है ना, जो हमारे पास आते नहीं है उनकी बात करो, वो चाहे सीबीआई में दो बार बुलाया गया, क्या है कौन शमीम खान है कौन? अरे इतने बड़े बड़े बिल्डर है जो आपके ही दोस्त है, ये ठक्कर भेड़ा कितने नाम लू आपके बिल्डर दोस्तों का, दोस्त रखना अच्छी बात है लेकिन किसी के धंधे पे आना ये बहुत बुरी बात है। आज जो आपके साथ घूम रहे हैं, अभी एक जब जमाने में हमारे साथ भी थे, कितनी नौकरियां मिली उनकी, कितना पैसा कमाया उन्होंने, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसके ऊपर उंगली न दिखाओ, जब तुम उंगली दिखाते हो तो तीन उंगली अंदर होती है, तो तीन उंगली तुमको छुपेगी। ये जिसको मालूम नहीं था ये रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, किसने खत किया, किसका खत, ये मित्तल का पूरा ग्राउंड में जितना भी काम है वो बंद करवाना चाहता था। वो बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री का लाडला है, मैं तो छोटा नेता हूं, ये लेटर, ये इसका लेटर ड्रावर में डाल दिया गया, उसकी भी कुछ वजह है, मैं सब बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारी भी थोड़ी मोटी चलती है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम ही अनाड़ी है और कोई हमको पूछता ही नहीं है। पहले का जितेंद्र अवार्ड जितना उसको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है, वो कल धर्मवीर मुंडे आया था जितेंद्र अवार्ड जाके रोया बंगले के लिए, मेरा एक में वो बंगला है जो लीगल है, सात बारह पे है, और मैंने उसको एक ही सवाल पूछा था धर्मवीर मुंडे को, ये डॉक्टर बियानी को किसने मारा, क्यों मारा, उसका अगर जवाब धनंजय मुंडे ने दे दिया ना तो बहुत मजा आएगा। और मेरे बारे में बोलने से पहले कि पार्टी शरद पवार और अजीत पवार एक हो रहे थे, जितेंद्र अवार्ड ने दूर कर दिया, अभी शरद पवार और अजीत पवार जिस ऊंचाई पे है, मेरे से जुदा हो सकते, जुदा हो सकते मेरे वजह से, पर एक है कि कोई भी शरद पवार के ऊपर अटैक करेंगे करेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम बोल रहे हो जो भी सभी सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अजित पवार ने बहुत कुछ बोला शरद पवार के बारे में, अरे शरद पवार कैसा आदमी है सबसे पहले तुमने जानना था, बोले दो साल हमसे खेलते रहे, हमको बोलते रहे चलो जाएंगे, चलो तुम मिलके आओ, उनके कहने पे तो हम मिलने जाते थे, मुझे अंदर की बात मालूम, चार लोग उनके घर में सुबह जाके बैठते थे, किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इसमें से एक अजित पवार है, सुबह जाते जाते ही चाय पीने के पहले साहब चलो बीजू मित्र आओ, साहब चलो बीजू मित्र आओ, साहब अपना दिन तो ऐसे ढकलने पड़ते हैं, साहब बोलते जाओ चर्चा करके आओ, अच्छा प्रपोजल लिख के, फिर ये चार पाँच दिन के बाद आते थे, अच्छा प्रपोजल, फिर साहब वो पेन लेते थे, नहीं ये प्रपोजल अच्छा नहीं है जरा इसको बदल के ला, ऐसा दो साल इनसे खेल के ला, दो साल। और जब मोदी ने अंतिम इशारा दिया इंदौर में 70,000 करोड़ का, तो ये साहब को छोड़ के भाग, साहब ने तभी भी बोला था कि मैं इस देश के संविधान को और इस देश के सेक्युलरिज्म को कभी धोखा नहीं दे सकता, मुझे आज भी याद है, मैं आपके लिए बताता हूं कि मैं और साहब एक दिन निकले और हम लोग करीब 2014 की बात है, हम लोग फ्रीवे नहीं हो क्या बांद्रा सीलिंग पे आए, तब उनको रेडियो पे न्यूज सुनने के आता था, तब उनका पहली बार आया था कांग्रेस मुक्त भारत, ये इतना सुनने के बाद उस आदमी के आंख में आंसू थे आंसू,
वो बोले जिस दिन विचारधारा हट गई इस देश की, कांग्रेस ने जो दी है भाईचारे की, प्यार की, नफरत के, नफरत को बाहर रखने की, बोले ये विचारधारा जिस दिन चली गई ये देश रहेगा ही। ये शरद पवार जी के बोल थे। जब उन्होंने सुना और हम लोग ऐसे खार तक गए तभी तक उनके आंख में आंसू ही थे। विचारधारा को प्यार करते हैं लोग, विचारधारा के लिए जान देने वाले लोग हैं। गांधी ने अपनी जान गंवाई, पानसरे ने अपनी जान गंवाई, गौरी लंकेश ने अपनी जान गंवाई, वो काबर कर ले। जब अपन एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो सामने की विचारधारा आपसे नाराज होती है और सामने की विचारधारा वायलेंस, हत्या में विश्वास रखती है, हम लोग नहीं रखते हैं। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़नी चाहिए, पर तुम्हारी विचारधारा है ही नहीं। तुमको मालूम है कि आखिर में देश कोई भी आदमी शांति की तरफ जाता है। उम्र के 21 साल में खून बहुत गर्म होता है, पर उम्र के 60 साल में सब की गर्मी निकल जाती है। आदमी सोचता है जाने सुकून और शांति से। ये देश अमन पे चले, ये अमन पे पड़ा हुआ है। अनेक धर्म है इसमें, अनेक धर्म, फिर ये देश एक सोचा है। और मैं एक हिंदू होने के नाते बताता हूँ, क्या बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे हिंदू लोगों को बांटा किसने? 5000 साल का इतिहास पढ़ के देखो तो हिंदू समाज को बांटा किसने? 4 वर्ण कौन से थे? जो आखिरी वर्ण था शूद्र, उसको घर में लेते थे क्या? ये 3 वर्ण का तो कोई काम ही नहीं था, एक ही वर्ण को काम मिलता था, तो बांटा किसने हिंदुओं को? ये बांटने की काटने की बात नहीं है।